सीहोर जिले में सीप नदी पर बन रहे पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना था, लेकिन एक दिन पूर्व ही कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने फीता काट दिया, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा की ये पीड़ा है जो अलग अलग रूप में निकल रही है। कमलनाथ सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते वे फीता काट नहीं पाए, क्योंकि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में कोई बड़ा काम किया ही नहीं जिसमें उनको फीता काटने का मौका मिलता। सीहोर में नदी पर बन रहे पुल का लोकार्पण करने और फीता काटने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीप नदी पर बन रहे पुल का लोकार्पण करना था, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में कमलनाथ सरकार में रहे मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक दिन पूर्व ही पुल का फीता काट दिया, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे सज्जन सिंह वर्मा की पीड़ा बताया और कहा कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार के रहते कोई बड़ा कार्य नहीं किया जिसमें सज्जन सिंह वर्मा फीता काट कर लोकार्पण कर पाते। कमलनाथ ने अगर कोई बड़ा कार्य किया हो तो बताएं, जिससे हम उनका आभार व्यक्त कर पाएं। क्या है कि उनकी पीड़ा है अलग अलग रूप में निकल रही है। जिस समय वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब फीता काट नहीं पाए। ऐसा क्यों करते हैं? कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में जब माननीय वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों तब कोई एक आध बड़ा काम 15 महीने में बना के खड़ा करके उद्घाटन किया हो तो बताएं, हम मैं आज भी और कल भी उनका आभार व्यक्त जरूर करूंगा। इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा ने अपने कार्यकाल के कामों को गिनवाना शुरू कर दिया और इस मामले पर सफाई भी दी। शिवराज चौहान 100 उद्घाटन एक साथ वर्चुअल उद्घाटन कर रहे, अरे कमलनाथ की सरकार में हमने सैकड़ों गौशालाएं बनाई, तमाम सड़कें बनाई, उसका उद्घाटन तुम कैसे कर सकते हो? हमने एक छोटे से पुल का कर दिया जहां जनता परेशान थी, तो उसमें बवाल मचा हुआ। 4,000 करोड़ की सड़क देवास से ग्वालियर, कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे मैं 4,000 करोड़ लाया था देवास से ग्वालियर 4 लेन, उसका उद्घाटन बीजेपी के सांसद और बड़े नेता कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। अरे हमने तो जनता की सुविधा के लिए फीता काटा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।